हेलो दोस्तों, द पेस ऑफ लर्निंग में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अभी जो हमारा जावा का सीरीज चल रहा है कोडिंग का, ओके, इसके पहले हमने जो है स्वेप नंबर का प्रोग्राम आप लोगों को बता दिया है। आज जो हम आप लोगों के लिए प्रोग्राम लेके आए हैं उसमें आप लोगों को बताएंगे कि लीप ईयर कैसे निकाला है। तो सबसे पहला क्वेश्चन होता है कि लीप ईयर किसको बोला जाता है। लीप ईयर गाइज उसको बोला जाता है जिससे कि 4 से अगर पूरा पूरा डिवाइडेड हो जाए। लीप ईयर का लॉजिक क्या है कि 400 से पूरा पूरा डिवाइडेड हो, बट वो 100 से नहीं हो, बट वो क्या हो, 100 से नहीं हो बट 400, यानी कि हर चौथे साल एक लीप ईयर आता है। जैसे 2000 है एक लीप ईयर है, 2024 लीप ईयर है, 2020 एक लीप ईयर, यानी कि हर चौथे साल में एक लीप ईयर आता है जिस होता है। ओके, तो हमने यहाँ पे सबसे पहले प्रोग्राम बनाए तो पैकेज को क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद ऑप्शन आएगा न्यू का। ओके, पैकेज को यहाँ पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद क्लास को क्लिक करेंगे। क्लास को क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा जिसमें हम लोग क्या करेंगे, क्लास का नाम देंगे। क्लास की फर्स्ट लेटर होता है कैपिटल होता है लीप ईयर। ओके, इसके बाद हमको पहले से क्या है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन लेना है, तो यहाँ पे टिक कर देंगे। जेन हम क्या करेंगे, जैसे ही फिनिश करेंगे हमारा एक लीप ईयर नाम की क्लास क्रिएट होके यहाँ पे देखिए आ जाएगा। ओके, अब हमें यहाँ पे देखिए लीप ईयर नाम का, जस्ट वेट कीजिए, यहाँ पे क्लास लोडिंग हो, यहाँ पे देखिए एक लीप ईयर नाम का क्या हुआ, क्लास बन के हमारा आ गया। ओके, जिसमें ऑलरेडी पहले से हमने पब्लिक स्टैटिक वॉइड की, तो पब्लिक क्या होता है गाइज, एक्सेस मॉडिफायर है जो कि 4 प्रकार के होते हैं, डिफॉल्ट, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड और पब्लिक। पब्लिक का मतलब हुआ कि इसको कोई भी पैकेज में एक्सेस कर सकता है। स्टैटिक का मतलब होता है गाइज कि ये मेमोरी एलोकेट स्पेस क्रिएट करता है। वॉइड का अगर कोई रिटर्न वैल्यू नहीं तो वॉइड और मेन क्या है, मेन का। ओके, तो लीप ईयर हर चौथे साल एक लीप ईयर आया था, हम यूजर के थ्रू देंगे, तो माना कि इन एक नाम का वेरिएबल देंगे यूजर के थ्रू। ओके, अब अगर आप यूजर के थ्रू दे रहे हैं तो उसमें स्कैनर लगाना पड़ता है, तो यहाँ पे लिखेंगे स्कैनर स्कैन इक्वल टू न्यू स्कैनर। ओके, इसके अंदर में हमने क्या करेंगे, सिस्टम डॉट इन, इसके अंदर में सिस्टम डॉट इन लगाएंगे। ओके, सिस्टम system.in सिस्टम डॉट इन। ओके, सिस्टम डॉट इन। ओके, जैसे ही लगाए एक एरर शो करेगा गाइज, यहाँ पे देखिए एक एरर शो करेगा, एक मिनट गाइज, यहाँ पे डबल कॉलम के बाद क्या होगा, सेमीकोलन। ओके, यहाँ पे देखिए एक एरर इससे शो कर रहा है कि आपने स्कैनर का पैकेज यूज नहीं किया है। तो यहाँ पे नॉर्मली कर्सर ले जाके जैसे ही इंपोर्ट कीजिएगा, इसकी जो पैकेज होते हैं इंपोर्ट जावा यूटी डॉट स्कैनर के अंदर में होता है। ओके, तुम्हारा पैकेज डिक्लेयर, अब यूजर के थ्रू देंगे तो सबसे पहले हम यूजर से नंबर मांगेंगे, सिस आउट करके कंट्रोल प्लस स्पेस जैसे ही जाइएगा तो ये आएगा, हमने यूजर को बोले ओके, सिस आउट करके जैसे ही कीजिएगा तो इसके बाद हमने यूजर के थ्रू नंबर मांगना है, तो यहाँ पे देखिए इंटर द नंबर, इंटर द नंबर। ओके, तो यूजर के थ्रू हमने क्या किए, नंबर मांग रही। ओके, यहाँ पे सेमी कॉलम जैसे ही देंगे ये एरर खत्म हो। हमने वेरिएबल क्या नाम से, एन नाम से डिक्लेयर किया, तो एन इक्वल टू स्कैन, स्कैन हम इसलिए लगा रहे हैं कि हमने रेफरेंस जो ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हैं स्कैन नाम से, और डॉट नेक्स्ट इंट, हमें नेक्स्ट टाइम को करना है, इंटीजर वैल्यू है तो नेक्स्ट क्या करेंगे, इंट कर। ओके, जैसे ही किए हमारा ये हो गया, इसके बाद हमको इफ लगाना है, हमको चेक करना है कि वो लीप ईयर है कि नहीं। एन मॉड्यूलस सबसे पहले क्या करेंगे, 400 से भाग देंगे, यदि 400 से वो भाग लगा 400 इक्वल इक्वल टू जीरो। ओके, दूसरी लॉजिक हमारा क्या होता है कि अगर वो 400 से भाग लगे बट एन मॉड्यूलस 100 से भाग नहीं लगे, नॉट इक्वल टू 100। ओके, और क्या तीसरा लॉजिक क्या है इसी में, तीसरी कंडीशन क्या होता है कि एन मॉड्यूलस 4 इक्वल इक्वल टू जीरो। ओके, एन मॉड्यूलस 4 इक्वल इक्वल टू जीरो, अगर ऐसा लॉजिक हो देन हमें क्या करेंगे, तो क्या होगा, वो सिस आउट करके यहाँ पे इंटर करेंगे तो लीप ईयर, ये क्या हो जाएगा, लीप ईयर, दिस इज ए लीप ईयर, दिस इज ए लीप ईयर, तो ये मेरा क्या हो गया, लीप ईयर। अगर ये कंडीशन को तो कंडीशन फोर्स होगा तो बाहर जाएगा, और इसके बाद फिर से सिस आउट लगाएंगे, सिस आउट लगा के दिस देंगे, दिस इज नॉट लीप ईयर, दिस इज नॉट लीप ईयर। ओके, तो हमारा जो लॉजिक मेन है कि लीप ईयर को चेक करने के कि एन जो है 400 से पूरा पूरा भाग लगे बट वो 100 से नहीं लगे, बट वो 4 से लगे।
हमारा रिपीयर का मेन लॉजिक क्या है कि 400 से अगर भाग रखता हूं बट वो 100 से भाग नहीं रखता हो बट वो 4 से डिवाइडेड हो तो भी वो रिपीयर होगा। कंडीशन आपको एक बार दोबारा से याद रखना है कि रिपीयर उसको बोला जाता है कि 400 से पूरा पूरा भाग रखता हो बट वो 100 से नहीं रखता हो बट वो 4 से पूरा पूरा रखता है। एक बार हमने यहाँ पे लॉजिक लगाया, चेक कर लेते हैं। रन पे जाएंगे, रन एज पे जाएंगे, जावा एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे यूजर के थ्रू मांगेगा इंटर द रिपीयर। ओके, यहाँ पे हम एक बार मॉडिफाई करें इंटर द नंबर, हम नहीं मैसेज में लिखेंगे इंटर द रिपीयर। ओके, यहाँ पे क्या किया, इंटर द रिपीयर। इसके बाद दोबारा से रन पे जाएंगे, रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन को क्लिक करेंगे, यहाँ पे मांग रहा है इंटर द रिपीयर। तो हमने क्या किया, 2020 चेक किए कि रिपीयर है कि नहीं, तो दिस इज रिपीयर। और एक्चुअली में ये भी क्या है, एक रिपीयर है। अब दूसरा हम चेक करेंगे अनरिपीयर को, देखे कि हमारा दूसरा कंडीशन काम कर रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे हमने सपोज 2019 दिए तो ये रिपीयर नहीं होगा, तो यहाँ पे चेक किए तो दी। तो यहाँ पे एक लॉजिक में यहाँ पे मेरा मिस्टेक हुआ है गाइज। यहाँ पे देखे एंड होगा, क्योंकि हमें क्या होना चाहिए, 400 से भाग रखना चाहिए बट 100 से नहीं रखना चाहिए। तो सॉरी, यहाँ पे मेरा लॉजिक क्या होगा, एंड ऑपरेशन होगा। ओके, यहाँ पे हम दोबारा से एक बार चेक कर लेते हैं जावा एप्लीकेशन पे जाके, जैसे ही क्लिक करेंगे रिपीयर, अब 2019 देखे एक बार चेक करते हैं तो दिस इज ए नॉट रिप। ओके, यहाँ पे एंड होगा जो कि हमारे से मिस्टेक। एक दूसरा बार हम चेक करते हैं एक रिपीयर देखे कि हमारा रिपीयर सही से काम कर रहा है कि नहीं। जावा एप्लीकेशन पे जाएंगे, रन एज पे जाके जावा एप्लीकेशन को अब हम 2024 एक बार चेक करते हैं तो ये रिपीयर है, तो दिस इज ए पे। हमारा लॉजिक काम करे, यानी कि 400 से भाग रखना चाहिए बट 100 से नहीं रखना चाहिए, बस 4 से रखना चाहिए। ओके, तो आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए। हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन प्राप्त होता रहे।